हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। टुडेज आर टॉपिक इज महाजनपद। तो जो वैदिक एज, वी हैव सीन ऑलरेडी द वैदिक एज एंड इवन द लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड प्री मॉडर्न पीरियड। एंड प्री मॉडर्न पीरियड पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत जगह पर हम लोग को प्री मॉडर्न पीरियड नहीं पढ़ाया जाता है, या बहुत सारे बुक्स में प्री मॉडर्न पीरियड नहीं है, लेकिन प्री मॉडर्न पीरियड पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैदिक एज में द पीपल ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल वॉज नोन एज जन, और वही जन जो है वो धीरे 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 लेटर वैदिक पीरियड में बन गया जनपद, और वही जनपद जो है फिर बाद में क्या बन गया, महाजनपद। और हम लोग देख रहे हैं कि ये महाजनपद, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में जो स्टार्ट हुआ था कि आर्यन अभी आपस में ही लड़ाई करते थे, तो वो लड़ाई अभी तक, वो जो वॉर था, वो जो फाइटिंग था, वो कंटिन्यूस चलता रहा था। और इवन इस पीरियड में भी वॉर जो है वो आपस में कर रहे थे वो लोग, उन लोगों के बीच में अभी भी वॉर चल रहा था, वॉर हो रहा था। ठीक है, हम देखते हैं कि इस पीरियड में कितने महाजनपद का एमर्जेंस हुई थी। तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसे सोर्सेस है जिसमें दिया हुआ है शोर्टेस्ट जनपद, दैट मींस 16 महाजनपद के बारे में दिया हुआ है, जिसमें बुद्धिज्म का कुछ लिटरेचर है एंड जैन लिटरेचर है। तो बुद्धिज्म का लिटरेचर महावस्तु एंड अंगुत्तरा निकाय, विच इज़ दी पार्ट ऑफ द सुतपिता का, एंड भगवती सूत्र, इसमें मेंशन है शोर्टेस्ट जनपद। वी कैन सी एट हियर छोटा जनपद कामबोजा, विच कैपिटल वॉज रायपुर, गंधारा, विच कैपिटल वॉज टक्सिला। सी, देर वॉज अ यूनिवर्सिटी इन टक्सिला, इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी था वो गंधारा में था, टक्सिला में था, टक्सिला यूनिवर्सिटी। उसी यूनिवर्सिटी में चाणक्य नाम के एक प्रोफेसर थे, आप सुने होंगे, तो वो उसमें प्रोफेसर थे, स्टडी करवाते थे, टीचर थे। ओके, हस्तिनापुर कुरु, जिसे कौरव बिलोंग करते थे उसको कुरु बोलते थे। ओके, पंचाला देख सकते हैं, कंपिलिया उसका कैपिटल था। ओके, देन है आपका कोसला बिलोंग टू कौशल्या, आप सुनेंगे कौशल्या का नाम, तो कोसला दो सारावस्ती उसका कैपिटल था, सारावस्ती। देन सूरसेना कैपिटल मथुरा, मत्स्य वी जनपद कैपिटल विराटनगर, अवंती कैपिटल वॉज उज्जैन, छेदी कैपिटल वॉज सुतिमती, कौशंबी कैपिटल वॉज वत्स, माला कैपिटल वॉज कुशीनगर, बाद में कुशीनगर कहलाया, देन है कोसला कैपिटल वॉज सारावस्ती, काशी कैपिटल वॉज वाराणसी, मगध कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, ए वज्जी है, एक्चुअली ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक वज्जी, तो वज्जी कैपिटल वैशाली, एंड अंगा कैपिटल चंपा। तो देर वर टोटल 16 महाजनपद, बट अमंग देम फोर वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल। उसमें चार जो है वो बहुत ही पावरफुल था। एक था उसका नाम था अवंती, मगध, माला एंड वत्स। अवंती, जस्ट उसमें अवंती, मगध, माला एंड वस। तो दीज फोर वर मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल, एंड दैट इज वाई वो आपस में, मतलब अगर देखा जाए तो 16 महाजनपद आपस में वॉर करते थे, जो अपने पावर को, अपने सुपरमेसी को मेंटेन करने के लिए, कायम रखने के लिए आपस में लड़ाइयाँ करते थे। लेकिन जब सबसे पावर द मगध भी कैसे, मगध एमर्ज्ड द मोस्ट पावरफुल जनपद अमंग ऑल दोज, उसमें जितने भी थे 16 में सबसे पावरफुल मगध एमर्ज हुआ था। उसका बहुत सारे कारण भी है, रीजन भी है। देखिए, मगध एमर्जेंस का मेन कारण क्या है कि जो मगध है वो मगध जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मगध का कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, बाद में हुआ था, पहले कैपिटल था राजगीर। ध्यान देना कि द कैपिटल वॉज मगध वॉज राजगीर जो है, राजगीर बोलते हैं वहाँ पे, सो कैपिटल था।
सो इट वॉज सराउंडेड बाई 5 hills. तो एक ऐसे हिल्स से सराउंडेड है जहाँ पे अटैक करना किसी दूसरे किंग के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था. सेकेंड, मगध के आसपास जो है वो प्लेन एरिया है. थर्ड, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, तो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ, बहुत ही अच्छा अलूवियल सॉयल है जो बहुत ही फर्टाइल लैंड है. फोर्थ, वहाँ पे इरीगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं होती है फसल को इरीगेट करने की. फिफ्थ, वहाँ पे एलिफेंट्स जो है बहुत ही ईजिली मिल जाता था उस टाइम में, जिसको सेना मिलना बहुत ही आसान हो जाता था. ओके, तो ऐसे बहुत सारे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसके नियर बाय जो है वो आयरन ओर मिल गया था. आयरन ओर जो है छोटा नागपुर प्लेटू बिहार में मिल गया था, जिसके कारण मगध जो है, मगध में एडवांस काइंड का टेक्नोलॉजी बनना बहुत ही आसान हो गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि एग्रीकल्चर के लिए जो एडवांस टूल होता है, आयरन मेड टूल्स, वो बनाना स्टार्ट किए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हुए. और साथ साथ उस टाइम वो लोग सेना में भी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन्स बनाना स्टार्ट किए. इसलिए मगध को एमर्ज होना, ये सब सारे फैक्टर्स उसको बहुत ही हेल्प किया था. ऑल दोज फैक्टर्स वर वेरी हेल्पफुल फॉर एमरजेंस ऑफ मगध एज दी सुप्रीम पावर किंगडम ऑन दैट टाइम. अभी हम लोग देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एमरजेंस ऑफ मगध, हाउ द मगध वॉज एमर्ज्ड एज द सुप्रीम पावर. मैंने आपको बताया भी, जैसे हरियंका डायनेस्टी, इसमें अलग अलग डायनेस्टी आया था. हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, देन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड, इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड पॉलिटिकल सोशल लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड आफ्टरवर्ड द पर्सियन इन्वेशन एंड ग्रीक इन्वेशन. एंड ये सब होने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, एमरजेंस ऑफ मगध. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मगध जो है वो इतना पावरफुल कैसे था, क्यों था. तो इसकी बहुत सारी वजह है. पहला है प्रॉक्सिमिटी ऑफ आयरन ओर. आप देख सकते हैं कि मगध के पास में ही छोटा नागपुर प्लेटू है, जहाँ से उसको आयरन ओर बहुत ही इजीली मिल जाता था, और उससे वो एडवांस टूल्स एंड एडवांस वेपन्स बहुत ही इजीली बनाते थे. एडवांस वेपन्स उनके सैनिक सोल्जर्स के लिए हेल्पफुल होता था, और एडवांस टूल्स उनके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल होता था. तो अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी उन लोग का मेन ऑक्यूपेशन अगर ज़्यादा होता है, तभी तो वो किंग को टैक्स देंगे, और अगर किंग को टैक्स मिलेगा तभी तो अपने कंट्री को, अपने टेरिटरी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा. तो फर्स्ट आपका ये रीज़न था. सेकेंड रीज़न, एबिलिटी ऑफ द एलिफेंट, बिकॉज मगध के जो राजा थे वो अपने सेना में, अपने सोल्जर में एलिफेंट को भी इंक्लूड करते थे, एंड दैट इज कॉल्ड द एलिफेंट्री. ओके, तो उनको एलिफेंट बहुत ही इजीली मिल जाता था, ये भी एक फैक्टर है उनके एमरजेंस की. थर्ड है फर्टाइल लैंड. इट मीन्स व्हाट कि बिहार में आप देखेंगे तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड है कॉज ऑफ द अलूवियल सॉयल, एंड वहाँ पे प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ही ज़्यादा होता है. ओके, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद था. देन है आपका ट्रेमेंडस एग्रीकल्चर. अगर एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा होता था, उपज बहुत ही ज़्यादा होता था, एंड दैट इज वाई जो वहाँ के पीपल थे, वहाँ के फार्मर्स थे, वो राजा को ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देते थे, तो लैंड रेवेन्यू ज़्यादा मिलता था राजा को, और राजा उससे अपने आर्मी को मेंटेन करते थे. एडवांस वेपन्स एंड टूल्स कॉज ऑफ द आयरन कैपेबल रूलर्स. वहाँ पे जितने भी रूलर्स आए वो सब के सब बहुत ही कैपेबल थे, बहुत ही स्ट्रांग थे, और ये भी एक वजह है कि मगध सबसे पावरफुल था. ओके, अब देखते हैं कि मगध को बनाया किसने. ऐसा स्टोरी है कि मगध, जरासंध का नाम सुने होंगे, जरासंध जो महाभारत में मेंशन है. तो जरासंध एंड उसके जो पोता था जयद्रथ, ठीक है, तो जरासंध एंड बृहद्रथ एंड जरासंध बोथ फाउंडेड द मगध. तो उन दोनों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. किसका? जरासंध एंड बृहद्रथ का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. जिन्हें एक्सपेंडेड बाय मगध को एक्सपेंड किसने किया? हरियंका रूलर्स ने, स्पेशली भीम बिसार एंड अजातशत्रु ने. उसको कंट्रोल किसने किया?
शिशुनाग, शिशुनाग उसको बहुत ही स्ट्रांग दिया, उसको बहुत ही कंट्रोल किया, देन उसको कम्प्लीटली एक एम्पायर का फॉर्म बेस जो दिया उसको नंदा रूलर महापद नंदा, एंड कम्प्लीटली एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है मगध का वो रहा है मौर्यन रूलर का, स्पेशली अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मगध अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और मगध के बारे में हिस्ट्री ना पढ़े तो हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि मगध जो है इमरजेंस कैसे हुआ। देखिए मगध स्टार्टिंग में बहुत ही कम था मगध, लेकिन बाद में इसको इंक्रीज किया। स्टार्टिंग में मगध जो है वो इतना ही पार्ट था। मैं बता दूँ स्टार्टिंग में देर वॉज दिस, अब जितने भी आपको दिख रहा है रेड कलर में, तो दिस वॉज द मगध ड्यूरिंग द भीमबिसार, एंड भीमबिसार के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे भीमबिसार उसके नेबरिंग एरिया को कंट्रोल किया। भीमबिसार के जाने के बाद अजातशत्रु जो है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया था, और अजातशत्रु के बाद शिशुनाग जो है उसको और एक्सपेंड किया था। तो ये अलग अलग टाइम पे, देखिए आप जो रेड कलर में है वो भीमबिसार के टाइम का है, जो आपका ब्राउन कलर में दिख रहा है वो अजातशत्रु के टाइम का है, और इसके बाद जो आपको गुजरात की तरफ जो बढ़ा हुआ दिख रहा है लाइन में वो उस टाइम में शिशुनाग के टाइम का है। तो इस तरह से जो है मगध को अलग अलग टाइम में अलग अलग रूलर ने उनको एक्सपेंड उनको स्ट्रॉन्ग किया। हर्यंका डायनेस्टी देखते पहले इसमें, तो द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी वॉज भीमबिसार। भीमबिसार जो है वो हर्यंका डायनेस्टी का फाउंडर है। ओके, देन एक्सपेंडेड द टेरिटरी थ्रू मैट्रीमोनियल अलायंसेस। भीमबिसार तीन शादियाँ किए थे। ओके, और तीनों शादी के में जो उसको दहेज मिला था, बेसिकली उनको ज़्यादातर जो किंगडम्स के कुछ टेरिटरी है उनको दहेज मिलता था। सो ही हैड थ्री वाइफ्स। फर्स्ट कोसला देवी, सी वॉज द सिस्टर ऑफ प्रसेंजीत। प्रसेंजीत जो है उस टाइम में कोसल नरेश थे, कोसल के नरेश की जो बहन थी कोसला देवी उनसे शादी किए थे भीमबिसार ने, उनकी बड़ी भी थी वो। और दूसरी शादी हुई थी चेतक रूलर, जो एक चेतक रूलर थे लिच्छवी का, वैशाली का, उनकी बहन चेलना से शादी किए थे। और थर्ड जो उनकी वाइफ का नाम था खेमा, सी बिलोंग टू मद्रा क्लेम, मद्रा प्रिंसेस थी, मद्रा क्लेम वहाँ से बिलोंग करती थी। तो उनको तीनों वाइफ बेसिकली कोसला देवी से जब वो शादी किए तो उनको काशी आप सुने होंगे बनारस, उनको दहेज में मिला था। देन उनके बाद जो है वो पहले सबसे पहले जो है वो अंगा को डिफीट किया। तो भीमबिसार डिफीटेड द रूलर ऑफ अंगा जिसका कैपिटल था चंपा, ब्रह्मदत्त को हराया था, और चंपा को मतलब भागलपुर और मुंगेर को मगध में मतलब पाटलिपुत्र में अनेक्स्ट कर लिया, उसको मर्ज कर लिया। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम। देखिए आर्मी सिस्टम लेटर वेरी प्रीमियम था, लेकिन वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, लेकिन भीमबिसार पहला ऐसे रूलर थे जो स्टैंडिंग आर्मी जो है वो एस्टैब्लिश किए थे। एक्चुअली उनका कैपिटल स्टार्टिंग में इस हर्यंका डायनेस्टी का कैपिटल जो था वो गृहराज, गृहराज को राजगिरी भी बोलते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय फाइव हिल्स एंड उस हिल को भेजना इतना आसान नहीं था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दिस मेड राजगिर इम्प्रेगनेबल, मतलब उसको नहीं कोई भेज सकता है। एंड ऐसा बोला जाता है कि भीमबिसार को उनका ही पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया। ओके, इनकी बहुत बड़ी स्टोरी है। ऐसे बोलते हैं कि जो कोसला देवी का बड़ा बेटा था उनको युवराज बना दिया गया था, और अजातशत्रु को कुछ लोगों ने कान भर दिया था कि तुम सक्षम हो, तुमको राजा बनना चाहिए, और ऐसे ही कुछ हुआ। और इसके बाद जो है वो अपने भीमबिसार को जेल में बंद कर दिया, और वो जेल में कैसे मरे नहीं मरे ये अभी तक कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो ये हम देखते थे भीमबिसार जो है वो आप देख सकते हैं कि 544 BC से 492 BC, ऐसा बोला जाता है कि ही फॉलोड जैनिज्म एंड ऑल्सो फॉलोड द बुद्धिज्म। देखिए इसमें भी कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन हाँ ही रिस्पेक्टेड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इक्वली, ये फैक्ट है। बिकॉज महावीरा उनके फ्रेंड थे और गौतम बुद्धा भी उनके टाइम में थे, उनके पास आते थे। देन है उनका बेटा अजातशत्रु, नाम है अजातशत्रु, मतलब ऐसे पर्सन जिसका कोई शत्रु न हो, वो जो शत्रु को संहार करने वाले। तो ही रूल्ड फ्रॉम 492 BC टू 460 BC, मतलब ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर इन द हर्यंका डायनेस्टी। बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही पावरफुल थे
अजातशत्रु वॉज वेरी पावरफुल, ओके नो डाउट। आप देख सकते हैं अजातशत्रु जो है वो किस तरह से चलते थे। इनका जो है स्टैचू बना हुआ है बिहार में, ठीक है, बिहार में जो कि राजगीर में का एक स्टैचू बना हुआ है ऐसा, ओके। अजातशत्रु, हाँ एक स्टोरी बताना भूल गया मैं आपको इसके बारे में, भीमबिसार के बारे में। भीमबिसार अवंती का रूलर का नाम पतोगिया एंड बिकॉज अवंती रूलर वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल एंड भीमबिसार वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल, दैट इज वाई यू नो कि दोनों के बीच में फाइटिंग होने वाला था। लेकिन इसी बीच में अवंती का रूलर पतोगिया को जॉन्टिस हो गया था। तो भीमबिसार का कहना यह था कि मैं किसी भी बीमार व्यक्ति से लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए भीमबिसार अपने फिजिशियन जिसका नाम था जीवक को भेजा था उनको क्योर करने के लिए। तो पतोगिया जो है उनको क्योर किया, उनको ट्रीटमेंट दी गई, उनको क्योर हो गया। उसके बाद जो है पतोगिया लड़ाई करने से मना कर दिया, बोला कि ये जो प्राणदान है वो आपका दिया हुआ है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ऐसे दोनों के बीच में मित्रता हो गई, दोनों जो है वो फ्रेंड हो गए। तो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप इस तरह से इस्टेब्लिश हो गया। तो उस टाइम में अच्छा रिलेशन था। लेकिन जैसे ही भीमबिसार को अजातशत्रु ने मारा तो अजातशत्रु से अगेन जो है वो अवंती के रूलर जो थे उनके बीच में फिर से लड़ाई चालू हो गया, ओके। लेकिन जो प्रसेंजीत जो है जब उनको मारा था, प्रसेंजीत भी काशी विलेज जो दिया था वो वापस ले लिया। इसके कारण अजातशत्रु जो है वो क्या किया, अपने मामा पे ही अटैक किया और प्रसेंजीत को हराया और उनकी जो बेटी थी वजीरा उसे शादी कर लिया और काशी को मगध में मर्ज कर लिया। लेकिन उनकी जो मम्मी चेलना थी, जिनका नैहर जिनका मायके जो था वो वैशाली था, तो वैशाली को भी मतलब आप वज्जी जो 8 फेडरल स्टेट्स था उनको ही ब्रेक करने के लिए उनको 12 ईयर्स लगा था। और उनको उसने वो जो है दो ऐसे वेपन्स को उसने इन्वेंट कर लिया था जो बहुत ही सपोर्टिव रहा। एक का नाम था रथ मसूला जो रथ को तोड़ने के लिए काम आता था, दूसरा था महाशील कंठक जो बड़े बड़े पत्थर को फेंकने के लिए काम आता था। ये रथ मसूला और महाशील कंठक दो ऐसे हथियार जो है सो बोथ हुअर इन्वेंटेड बाय अजातशत्रु। तो आपको अजातशत्रु वेरी पावरफुल और हम समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल होगा। ये देख सकते हैं ये जो है आपका महाशील कंठक, यहाँ पे आपको पत्थर रखते थे और उसको दूर तक फेंकते थे, ओके। और दूसरी दिवत रथ मसूला, तो ये दो तरह के जो है उसने हथियार इन्वेंट किया था अजातशत्रु ने, ओके। बट ऐसा माना जा रहा है कि अजातशत्रु वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज ओन सन उदयन। सो उदयन जो है वो अपने पापा को ही मार दिया था ऐसे माना जा रहा है। सो उदयन वो सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु हु शिफ्टेड, बट जो उदयन है वो कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था और गंगा सोन रिवर के संगम पे कन्फ्लुएंस पे एक फोर्ट बनाया था उदयन। उदयन के बाद जो है जो हरेक डायनेस्टी का लास्ट रूलर ही वॉज नॉट सो कैपेबल एंड दैट इज वाई असेंबलीज के जो कुछ लोग थे वो शिशुनाग को नेक्स्ट रूलर मगध का बना दिया। तो शिशुनाग वॉज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ असेंबली, ओके, उनको इलेक्ट किया था और उनको मगध का राजा बना दिया गया था। तो नेक्स्ट मगध शिशुनाग एंड नंदा डायनेस्टी। तो शिशुनाग के बारे में ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, हम लोग देखते हैं कि शिशुनाग बेसिकली फाउंडेड बाय मिनिस्टर शिशुनाग हु वॉज सक्सीडेड बाय काल अशोका। काल अशोका वॉज सन ऑफ शिशुनाग एंड द डायनेस्टी लास्टेड फॉर 2 generations ओनली, 2 generations ही तक चला था। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ द अवंती। जैसे कि मैं बताया आपको कि जैसे ही भीमबिसार का डेथ हुआ था तो अवंती का रूलर जो है वो अगेन दुश्मनी जो है स्टार्ट कर दी थी मगध से। तो जब शिशुनाग जो अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया तो उस टाइम शिशुनाग अगेन अवंती पे अटैक किया और अवंती को मतलब उज्जैन को फिर अभी मगध में मर्ज कर लिया, मिला लिया, ओके। लेकिन शिशुनाग ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। देखिए कुछ दिनों के बाद ही काल अशोका उनका जो पुत्र था वो फिर वैशाली से पाटलिपुत्र उसको ये कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि बुद्धिस्ट का जो बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय अजातशत्रु इन 483 BC वेर एज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय काल अशोका इन 383 BC ऑन वैशाली। नंदा डायनेस्टी इट इज सेड दैट नंदा इज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर। महापर नंदा वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड महापर नंदा इज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर।
इट वॉज फाउंडेड बाई महापर नंदा हु एडेड कलिंगा टू हिज एम्पायर फ्रॉम वेयर दी। ऐसा माना जा रहा है कि महापर नंदा जो है वो बहुत ही ताकतवर थे, बहुत ही पावरफुल थे, और वो आसपास के मतलब आसपास के जितने भी टेरिटरी है वो सबको जीत करके एक छत दे ट्राइड टू ब्रिंग ऑल दी नेबरिंग टेरिटरीज अंडर एन अम्ब्रेला एंड दैट इज वाई ही टुक द टाइटल एक छत्र। तो एक छत्र जो है उनका टाइटल भी है और एक रत्न जो है उनका टाइटल भी है, जो आपका टाइटल भी लिया था। और ऐसा माना जाता है कि कलिंगा वॉज सो पावरफुल एंड कलिंगा को जो है वो उसने हराया था। कौन? महापन्नंदा डिफीटेड द रूलर ऑफ कलिंगा, कलिंगा के रूलर को हराया था, और हराने के बाद जो है वहाँ से जीना का इमेज लाया था एज द विक्ट्री ऑफ एज द ट्रॉफी ऑफ विक्ट्री उसके लिए लाया था। ओके, देखिए इनके बारे में जो है वो मेंशन है खारावेला। खारावेला जो है वो रूलर ऑफ ओडिशा। ओके, हम लोग बोल सकते छेदी रूलर ओडिशा, जो हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा एंड रानी गुम्फा नाम का जो है बहुत सारे वहाँ पे गुम्फा बनाया है जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई है, मेंशन की गया है। अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द धनानंद हु वॉज कॉल्ड, ध्यान देना एक्चुअली धनानंद जो है वो उसको ग्रीक स्कॉलर्स ने उनको एग्रेमेसो एंड जिनड्रेमेम्स नाम से उसको मेंशन किया गया है ग्रीक लिटरेचर में। देखिए नंदा के टाइम में जो है उनका आर्मी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग था। आर्मी सिस्टम वॉज स्ट्रांग विथ इन्फेंट्री ऑफ 2 लाख सोल्जर्स, 60,000 कैवलरी एंड 6,000 वॉर एलिफेंट्स विच सपोजली चेक्ड अलेक्जेंडर्स आर्मी फ्रॉम दी एडवांसिंग टुवर्ड्स मगध। इसलिए ऐसा बोलते कि अलेक्जेंडर का आर्मी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया था इसी के टाइम में और वापस लौट चले थे। दे हैड डेवलप्ड एन इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम, बिल्ट कनाल्स, कैरीड आउट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये सब क्या अचीवमेंट रहा है नंदा डायनेस्टी का। नंदा आर डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स इन इंडिया। द फर्स्ट नंदा किंग इज डिस्क्राइब्ड एज पुराण इन पुराण एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय एंड अ सेकेंड परशुराम। परशुराम आप नाम सुनेंगे जो क्षत्रिय को 17 टाइम्स जो है वो डिस्ट्रॉय किया था, और इस टाइम जो है वो ये भी क्षत्रिय को डिस्ट्रॉय कैसे लिखे नाम बोलते हैं सेकेंड परशुराम, और भार्गव भी इसका नाम दिया गया है पुराण में। ओके, आप देख सकते हैं कि नंदा के टाइम में जो हमारा इंडिया है मतलब जो मगध था वो मगध बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गया बिकॉज नंदा कैप्चर्ड द कोसला। कोसल जो था वो उसको भी कैप्चर करके अवंती को देखे, ये जो पार्ट था वो पहले से था भीमबिसार के टाइम में, लेकिन भीमबिसार के बाद जो है इसको थोड़ा एक्सपेंड किया था यहाँ तक, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो है इसको यहाँ तक एक्सपेंड किया था उसको शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद जो है इसको कोसला, इसको पूरा जीतने वाला जो पर्सन था उसका नाम था महापद्मनंदा। ओके, एंड बाद के टाइम में जो है ये तो पूरा का पूरा पार्ट जो है आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट जो है पूरा का पूरा आ गया था मौर्य एम्पायर। ओके, देखें इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या लाइफ था। देखिए इकोनॉमिकली मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ही उस टाइम में मेन ऑक्यूपेशन था, और लोग पशुपालन भी करते थे, और एग्रीकल्चर करने के लिए जो एनिमल्स है उसको यूटिलाइज करते थे वो लोग, एंड दैट इज वाई जो फार्मर्स और एग्रीकल्चरल पीपल थे सो दे लव्ड एनिमल्स, वो जो है ना एनिमल्स से प्यार करते थे। लेकिन ब्राह्मणिज्म के कारण उस टाइम में जो एनिमल की सेक्रीफाइसेस दी जाती थी, बलि दी जाती थी, दैट इज वाई वो लोग अपोज भी करते थे। इसलिए एग्रीकल्चर लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अपोज करते थे कि आप एनिमल को नहीं मार सकते हैं, और ये भी एक रीजन है फॉर द इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था और एग्रीकल्चर पे ही सब कुछ डिपेंडेंट था। बैंकर्स उस टाइम में बैंकर्स एंड ट्रेडर्स थे, तो बैंकर्स मेड देयर ओन क्वाइंस। देखिए इंडिया में उस टाइम में जो है राजा के पास क्वाइन नहीं होता था, लेकिन होता था तो उस पर क्या फिगर्स नहीं थे, पंच मार्क्ड क्वाइन नहीं थे। तो इंडिया में पहले बैंकर्स एंड ट्रेडर्स ने पंच मार्क्ड क्वाइन इंट्रोड्यूस किया था, और उन पे जितने भी क्वाइंस है क्वाइंस पे ह्यूमन फिगर नहीं होता था या किसी गॉड का फिगर नहीं था उस पे, जैसे हिल्स का, माउंटेन का, बर्ड्स का, फिश का, एनिमल्स का, ऐसे फिगर रहता था क्वाइंस पे। ओके, तो यहाँ क्वाइंस हैड द फिगर ऑफ नेचर ओनली। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टैक्सेस वर देयर। देखिए वहाँ पर अलग अलग टैक्स था, उसमें आपका इरीगेशन टैक्स था, देन इवन सॉल्ट टैक्स भी था उस टाइम में, वाटर टैक्स था, देन आपको लैंड रेवेन्यू था। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस उस पर इम्पोज की गई थी, लेकिन हाँ जो लैंड रेवेन्यू था वो
सिक्स था, 1/6 to 1/4 था, जितना ही ऊपर जाता उसका 1/6 ही पार्ट लेते थे, ज़्यादा नहीं लेते, दैट इज कॉल्ड भाग दुघ। उस टाइम में टू टाइप के कॉइन्स यूज करते थे, एक था सिल्वर कॉइन, इट इज कॉल्ड रूपका, एंड अदर वॉज दी वट कॉपर कॉइन, इट वॉज कॉल्ड दी वट ताम्रूपा। तो ताम्ररूपा कॉपर कॉइन एंड रूपका सिल्वर कॉइन, तो दो तरह के जो है कॉइन उस टाइम में यूज करते थे। देख सकते हैं मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, बैंकर्स मेड देयर ओन कॉइन्स, कॉइन्स हैड द फिगर ऑफ नेचर ओनली, मीन्स वॉट देयर वॉज नो फिगर ऑफ ह्यूमन एंड गॉड ऑन द कॉइन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस वर देयर, सिल्वर कॉइन वॉज कॉल्ड रूपका, कॉपर कॉइन वॉज कॉल्ड ताम्ररूपा। इकोनॉमिकल लाइफ, देन है सोशल लाइफ, सोसाइटी। सी इन दिस टाइम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू वर्ण, देखिए यहाँ से ब्राह्मण जी में स्टार्ट होता है, एंड वर्ण सिस्टम वॉज फॉलोड। उस समय वर्ण था, वर्ण पता है आपको, चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसी टाइम में धर्मशास्त्र एंड मनुस्मृति सामने आया था, जिसको मनु ने लिखा था, मनु रोट धर्मशास्त्र एज वेल एज मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है उस टाइम में एक ऐसा ग्रंथ था जिनको हिंदू लोग फॉलो करते थे, एक्चुअली हिंदू टर्म नहीं था लेकिन वहाँ के पीपल उस टाइम में उसको फॉलो करते थे। वुमन एंड शूद्र वर डिग्रेडेड, देखिए वुमन और शूद्र का पोजीशन इस टाइम में बहुत ही डिग्रेड कर दी गई थी, कि इतना भी डिग्रेड नहीं हुआ था जितना कि इसके बाद हुआ था, मतलब मॉडर्न पीरियड के बाद तो और ज़्यादा डिग्रेड हुआ था, लेकिन इस टाइम में ठीक था, लेकिन फिर भी कंपेयर टू ऋग्वेदिक टाइम इसमें बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दी गई थी। वैश्य पोजीशन वॉज अपलिफ्टेड, देखिए वैश्य जो है ट्रेडर्स बिकेम वेरी रिचर इन दिस टाइम, ट्रेडर्स कॉज ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज दे वर वेरी रिच, एंड दैट इज वाई वैश्य का पोजिशन जो है अपलिफ्ट की गई सोसाइटी में, लेकिन स्टिल दे ट्रेडर्स वॉन्टेड द इक्वालिटी स्टेटस ऑफ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, तो वो तो पॉसिबल नहीं था, देखिए उसमें भी दैट इज वाई ट्रेडर्स सपोर्टेड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एट अलॉट। नेक्स्ट है ट्रेडर्स हैड देयर ओन गिल्ड्स, ट्रेडर जो है उनका खुद का गिल्ड्स होता था, इट वॉज कॉल्ड द श्रेणी, वो आपस में ही फैसला करते थे, गिल्ड्स था, एंड बैंकर्स वॉज नोन एज श्रेष्ठी। तो इट वॉज द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द प्री मॉडर्न पीरियड। पर्शियन इन्वेशन, देखिए पर्शिया जो है वो इंडिया पे इन्वेड किया था, जो पहला है द फर्स्ट पर्सन सीरस, सीरस इन्वेडेड इंडिया, एंड ऐसा माना जा रहा है कि सीरस जो है वो कुछ प्रांत को इंडिया में इन्वेड किया था, वहाँ से टैक्स लिया था। फिर डेरियस वन और ज़्यादा डेरियस वन इन्वेडेड इंडिया, एंड डेरियस वन इंट्रोड्यूस्ड द पंच मार्क्ड कॉइन एज वेल एज खरोस्ती स्क्रिप्ट, खरोस्ती स्क्रिप्ट द स्क्रिप्ट विच इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये दोनों चीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ओके तो आप देख सकते हैं ये जो है इसके बाद मथुरा तक इन्वेट किया था जो है, आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक के रूलर ने, और इसको और आगे बढ़ाया था कुषाण के रूलर ने, कनिष्का जो है और आगे तक बढ़ाया था, ये सब आप देख सकते हैं। ओके कुषाण के टाइम में जो कनिष्का था इसको और ज़्यादा आगे इनको एक्सपेंड किया था। एनीवे ऑलरेडी बिफोर 530 BC सीरस द एकेमेनिड एम्परर ऑफ पर्सिया क्रॉस्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड रिसीव्ड ट्रिब्यूट फ्रॉम द ट्रिब्यूट ऑफ काम्बोजा गंधारा एंड ट्रांस इंडस रीजन। तो काम्बोजा गंधारा जो हम लोग देखे थे जनपद थे, वहाँ से वो लोग ट्रिब्यूट लेते थे, इट मीन्स वॉट वहाँ से वो लोग रॉयल्टी और टैक्स लेते थे। डेरियस वन 522 to 486 कैप्चर्ड अ पोर्सन ऑफ पंजाब एंड सिंध, जो मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि डेरियस वन जो खरोस्ती स्क्रिप्ट एंड पंच मार्क्ड कॉइन इंडिया में लॉन्च किया था। हीरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, द फेमस ग्रीक हिस्टोरियंस कंसिडर एज फादर ऑफ हिस्ट्री मेंशंस गंधारा एज द 20th स्ट्रैपी ऑफ प्रोविंस, बोलते थे काउंटेड अमंगस्ट द मोस्ट पॉपुलस एंड द वेल्दी इन द एकेमेनिड एम्पायर, बिकॉज उस टाइम में गंधारा से भी वो लोग
टैक्स वसूलते थे। द प्रिवलेंस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ खरोस्ती स्क्रिप्ट विच इज ओनली अ लोकलाइज एडेप्शन ऑफ द एरेमिक एंड रिटन फ्रॉम द राइट वॉच। देखो खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे और वहाँ का लैंग्वेज जो है यूज करते थे एरेमिक। तो एरेमिक वॉज द लैंग्वेज एंड खरोस्ती वॉज द स्क्रिप्ट, तो वो लैंग्वेज है वो राइट टू लेफ्ट में लिखते थे। देन है इन्वेशन ऑफ एलेक्जेंडर। देखिए इंडिया में जो है एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर वॉज द सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया में फिलिप नाम का राजा था जिनका बेटा था एलेक्जेंडर। वो 13 ईयर्स की उम्र में ही वो जो है वो राजा बन गया था। उनके पापा का डेथ हो गया था और उनकी चाहत थी कि वो पूरा दुनिया को जीते। ओके, ही वॉन्टेड टू बिकम द वर्ल्ड कंकरर। एंड फाइनली वो जो है वो अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट किया था। और देख सकते हैं कि किस रूट से वो इंडिया में आया था। पीरे ये इस रूट से निकला था और यहाँ पे उसको जितने भी ट्राइब था इसको ये पूरा जीतते जीतते सब पूरा ऐसे ये सब पूरा इधर से जीतते हुए फिर जो है इस रूट से वो इंडिया में खेवर पास से फिर इंडिया में अटैक हुआ। देख सकते हैं आप, तो ये जो है आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया में जो है वो एलेक्जेंडर कौन से रूट को फॉलो करके इंडिया तक पहुँचा था। लेकिन जब वो इंडिया में पहुँचा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवर है झेलम, इंडस के बाद जो है एक रिवर है झेलम, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। बिकॉज यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा रूलर था जिसका नाम था पौरस। तो पौरस वॉज द रूलर ऑफ पूरू एंड वहाँ पे अम्भी वॉज द रूलर ऑफ टक्सिला। तो अम्भी जो रूलर था ही वॉज वेरी कॉवर्ड एंड फाइनली विदाउट फाइटिंग ही एक्सेप्टेड द डिफीट फ्रॉम एलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर से बिना लड़े ही अपने डिफीट को स्वीकार कर लिया और उनसे जा कर के मिल गया। कौन? अम्भी। लेकिन अम्भी जो है वो उल्टा सपोर्ट किया एलेक्जेंडर को झेलम रिवर को क्रॉस करने के लिए और इस तरह से उसकी सेना जो है वो क्रॉस हुआ। एंड फाइनली ऐसा कहा जा रहा है कि देयर वॉज अ फाइट बिटवीन पौरस एंड एलेक्जेंडर ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ झेलम एंड बैटल ऑफ हैदफिज। हैदफिज इसलिए बोलते बिकॉज हैदफिज वॉज द नेम ऑफ हॉर्स ऑफ एलेक्जेंडर। ओके, वहाँ पे उसके हॉर्स का डेथ हो गया था। तो ऐसा बोलते हैं कि पौरस हार गया था, पौरस वॉज डिफीट। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक स्कॉलर पौरस वॉज डिफीटेड बाय एलेक्जेंडर एंड उनको एलेक्जेंडर के सामने लाया गया था। एलेक्जेंडर कहता है ओ किंग टेल मी व्हाट टू डू विद यू। तो एलेक्जेंडर रिप्लाई करता है ट्रीट मी लाइक अ किंग। वो एलेक्जेंडर ट्रीट मी लाइक अ किंग। तो ये बात सुन के कि सामने मौत खड़ा है फिर भी वो डरा नहीं है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि एलेक्जेंडर जो है वो पौरस को छोड़ दिया। लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस ऐसा नहीं मानता है। इंडियन हिस्टोरियंस का मानना ये है कि एलेक्जेंडर हार चुका था और पड़ोस जीत चुका था, इसलिए पड़ोस को नहीं मारा था। सो दिस इज द रूट ऑफ एलेक्जेंडर किस तरह से इंडिया में आया था। आप देख सकते हैं कि इंडियन जो रूलर था फर्स्ट टाइम जो है एलेक्जेंडर एलिफेंट देखा था और एलिफेंट्री किस तरह से वॉर करता है वो एलेक्जेंडर के वॉर में दिखाया दिया था। मतलब पौरस जब लड़ा था उसमें एलिफेंट भी यूज की गई थी। सेकंड थिंग, एलेक्जेंडर फर्स्ट टाइम जो है वो कराची में जो है वो समंदर देखा, पहले समंदर भी वो नहीं देखा था। ओके, सो आफ्टर देखिए एलेक्जेंडर जो है वो पौरस को हराने के बाद बोलते हैं कि इंडिया के कुछ और टेरिटरी में वो आगे बढ़ा। उसी टाइम में चाणक्य ही वॉज द टीचर ऑफ टक्सिला यूनिवर्सिटी जो है वो धनानंद से मिलने के लिए गया और बोला कि जो इंडियन रूलर है उनको सपोर्ट करने के लिए बिकॉज यू आर सो पावरफुल एंड यू कैन डिफीट एलेक्जेंडर। लेकिन उस टाइम में धनानंद उसको सपोर्ट नहीं किया था। इनका मेन रीजन था कि धनानंद के डायनेस्टी में उस टाइम करप्शन बहुत ज़्यादा था। उस करप्शन को चाणक्य ने सामने लाया था, एक्सपोज किया था, उससे गुस्सा था धनानंद को। धनानंद को जो है इस उल्टा अपमान किया चाणक्य को और चाणक्य वहाँ से चला गया। वही उसी का बदला चाणक्य जो है वो समुद्रगुप्त को नेक्स्ट टाइम बना करके और धनानंद के साथ वॉर करवा के फिर बदला लिया था। तो जब एलेक्जेंडर जो है 323 BC में वो लौट गया बेबीलोनिया में, उनका डेथ हो गया। आप देख सकते हैं एलेक्जेंडर जो है बेसिकली अपने किंगडम को 3 प्रोविंस में आप देख सकते हैं। एलेक्जेंड्रिया वन देख सकते हैं आप, जिसको बोलते क्या है जेड्रोशिया, इसको बोलते हैं एलेक्जेंड्रिया ऑफ इंडस, इसको आप देख सकते हैं इस पार्ट को भी। तो बेसिकली ये 3 जो है वो प्रोविंस में डिवाइड किया था और छोटे छोटे स्टेट को छोटे छोटे राज्य को जीत करके 3 प्रोविंस में डिवाइड किया था। और यही इसी का फ़ायदा उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य को छोटे छोटे राज्य को हराना नहीं पड़ा था, बड़े बड़े राजा को हरा करके ये पूरा का पूरा टेरिटरी भारतवर्ष में मिला दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव था। ओके, देख सकते हैं। तो
ही इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC ही कंकर्ड मेनी टेरिटरीज फॉट अगेंस्ट पर्स दे लिव्ड 19 मंथ इन इंडिया डिड नॉट डेयर टू इन्वेड मगध डाइड इन बेबुलोनिया इन 323 BC सो फॉर टुडे दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर